डियर स्टूडेंट, वी हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th, रियल नंबर। इन द रियल नंबर वी हैव टू डिस्कस सम अदर नंबर। फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, होल नंबर। द नेचुरल नंबर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। इंटीजर, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, द नेचुरल नंबर विद पॉजिटिव साइन इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। एंड द इंटीजर विद निगेटिव साइन इज कॉल्ड निगेटिव इंटीजर, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। एंड द जीरो इंटीजर इज कॉल्ड जीरो इंटीजर। द फोर्थ नंबर इज रेशनल नंबर। वी हैव टू डिस्कस द रेशनल नंबर इन द प्रीवियस क्लास। द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, द नंबर दैट कैन बी रिटन एज p by q, where q not is equal to 0 and p and q are integers, is called rational number. Example, all natural numbers are rational number. Example, 1, 2, 3, all integers are rational number, and the number that can be written as 2 by 3, like a fraction, 4 by 5, that is called a rational number. Fifth number is irrational number. The number that is not rational. It means the number that cannot be written as p by q. Example, √2, √3, 1.01100. It means the decimal expansion of irrational number is non-terminating and non-repeating, that is discussed in class 9th. And the decimal expansion of a rational number is terminating and recurring. That decimal expansion is of the rational number, and the decimal expansion of irrational number is non-terminating, non-recurring. The other number is even number. We know about the even number. The number that is divisible by 2, 2, 4, 6, 8, that is the even number. Odd number that is not divisible by 2, 1, 3, 5, 7 and so on, that is the odd number. Prime number.
व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर? प्राइम नंबर द नंबर विच इज डिविजिबल बाई इट्सेल्फ एंड वन ओनली. इट्स मीन्स द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड इट्सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल टू, टू इज अ प्राइम नंबर, थ्री इज अ प्राइम नंबर, फाइव इज अ प्राइम नंबर, सेवन इज अ प्राइम नंबर, इलेवन इज अ प्राइम नंबर, थर्टीन इज अ प्राइम नंबर. इट इज डिविजिबल बाई इट सेल्फ ओनली, दैट नंबर आर कॉल्ड प्राइम नंबर. एंड हियर टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड दैट इज द ऑल्सो इवन प्राइम नंबर. ओनली टू इज दैट प्राइम नंबर दैट इज ऑल्सो अ इवन नंबर एंड अदर नंबर इज अ कंपोजिट नंबर. कंपोजिट, कंपोजिट नंबर द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर. द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज फोर सिक्स एट नाइन टेन एट्सेट्रा. द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर दैट इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर. इट्स मीन्स द नंबर दैट इज डिविजिबल अदर देन इट्सेल्फ. द नंबर दैट इज डिविजिबल अदर देन इट्सेल्फ दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर. नाउ हियर इन इन द क्लास टेंथ वी हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक इज Euclid division lemma. Euclid division lemma. What is Euclid division lemma? Let A and B are two positive integers. Then there exist, that is the symbol of their exist. Let A and B are two positive integers, then there exist two unique whole number q and r such that a is equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 but less than b. That is called Euclid division lemma. And Euclid division lemma is the statement that we have to use to prove some other statement. Here that is the lemma, and lemma means that is the proven statement that is used to prove another statement. यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका यूज हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं. Euclid division lemma वहीं यूज किया जाता है.